सो हेलो माय डियर यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। सो गाइज, मेरा नाम है कार्तिक और आप देख रहे हैं हमारे चैनल अपडेट यान। तो गाइज, दो दिन पहले मैंने एक पोल डाला था 4 वीडियो का टॉपिक का, ठीक है। तो गाइज, सबसे जो ज्यादा वोट आया था वो है यूट्यूबर का नंबर कैसे ले। तो गाइज, वो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि यूट्यूबर का नंबर क्या सच में हम लोग को मिल सकता है, कोई भी यूट्यूबर का नंबर, और अगर मिल सकता है तो कैसे। तो चलिए, वीडियो में सब कुछ आप लोग को मालूम चल जाएगा, वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग ने थंबनेल में देखा कि मैं बताऊंगा आप लोग को यूट्यूबर का नंबर कैसे मिलेगा। तो गाइस, चलिए हम लोग बात करते कि क्यों मैं ऐसा आप लोग को बता रहा हूँ। तो गाइस देखिए, जब मैंने नया नया यूट्यूब पर आया था तब मैंने सोचा था कि मैं अपना नंबर लीक नहीं होने दूंगा, ठीक है। क्योंकि गाइस, लीक जो हो जाता है तो ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लीक होता तो अपने फैंसी लेते हैं। बट गाइस, कुछ जगह ऐसे जगह नंबर लीक हो जाता कि कुछ परेशानी होती है, या वो बार बार मतलब कॉल करके परेशान करते हैं, इसलिए डर रहता है यूट्यूबर को कि आखिर नंबर मेरा लीक ना हो जाए, ठीक है। तो गाइस, मैंने सोचा था कि मैं लीक अपना नंबर नहीं होने दूंगा। बट गाइस, आज के जमाना में इतना तेज तेज बंदा और इतना स्मार्ट स्मार्ट बंदा है कि और क्या बताएं। स्मार्ट वो नहीं होता गाइस कि स्मार्ट दिखने में है, बट गाइस वो लोग दिमाग से इतना ज्यादा स्मार्ट और तेज है कि आप लोगों को क्या बताएं। मेरा नंबर तक लीक हो गया और मेरा नंबर तक उन लोगों को मिल गया। अब मैं बताऊंगा आप लोगों को कैसे मिला, वो भी मैं बताऊंगा। तो वीडियो को देखते रहिए, आप लोगों को सारा कुछ समझ में आ जाएगा। तो गाइस, मेरा नंबर तक वो लोग को मिल गया। तो गाइस देखिए, उन लोगों को मिला नंबर तो ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब मेरे फैंसी है, ठीक है। लेकिन गाइज, मैं चाह रहा था कि मेरा अपना नंबर को लीक नहीं होने दूंगा, बट उन लोग को अपना मेरा तो नंबर मिल गया। तो अब मैं बताऊंगा आप लोग कैसे नंबर ले सकते हो। तो गाइज, नंबर आप लोग को मिलेगा लेकिन एक ही शर्त पर, कि वो यूट्यूबर स्पॉन्सर करता है कि नहीं। अगर वो यूट्यूबर स्पॉन्सर करता है तभी आपको उस यूट्यूबर का नंबर मिलेगा। और वो भी किस किस यूट्यूबर का नंबर मिलेगा ये भी मैं बता देता हूँ। जो थर्ड पार्टी स्पॉन्सर रहता है ना, जैसे देखिएगा बड़े बड़े यूट्यूबर जो करते हैं स्पॉन्सर, वो अच्छे जो मतलब कुछ बड़े बड़े वेबसाइट के करते हैं, ठीक है। हम लोग तो ऐसे करते हैं छोटे मोटे एप्लीकेशन जो रहते हैं, रमी ये सब। तो ये सब गाइज, हम लोग का जो उसका जो ऑनर है उस एप्लीकेशन का, उससे हम लोग का डायरेक्ट बात नहीं होता। हम लोग का होता है थर्ड पार्टी कोई है, मतलब मेरे ही जैसा कोई बंदा रहेगा और वो मुझसे मतलब कॉन्टेक्ट करा देता है और बस स्पॉन्सर दिला देता है कि भाई तुम कितना में करोगे, स्पॉन्सर मुझे एक देना। तो हम लोग ये सब बात करते हैं और स्पॉन्सर हम लोग को मिलता है, ठीक है। और गाइस, जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं तो उनका डायरेक्ट ऑनर से बात होता है, जो कि एप्लीकेशन के मैनेजर रहते हैं, डायरेक्ट ऑनर से बात होता है, ठीक है। तो गाइस, हम लोग का होता है थर्ड पार्टी बंदे से बात और वो दिला देता है हम लोग को स्पॉन्सर, ठीक है। तो गाइस, अब देखिए होता क्या है। वैसे ही गाइज, कुछ स्मार्ट बंदे क्या किए, एकदम जैसे कि आप लोग को स्क्रीनशॉट में मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग इसे पढ़ लेना और आप लोग को भी बस अगर लेना है तो नंबर इस तरह का करना पड़ेगा। लेकिन गाइज, 100% नहीं है कि कोई भी यूट्यूबर आपको नंबर दे दे। और अब तो गाइज, मैं भी ऐसे नंबर नहीं देता हूँ क्योंकि अब मुझे भी समझ में आ गया कि ऐसे करके नंबर भी लीक हो जाता है। तो गाइज, अब हुआ क्या कि वो बंदे मुझे ऐसे मेल किए, ठीक, जो कि स्क्रीनशॉट में दिख रहा है, ठीक है। सर, आई एम स्पॉन्सर, ऐसे कर करके स्पॉन्सर कर दिए। तो गाइज, मैंने देखा तो ऐसे कुछ उसको देख करके समझ में नहीं आया कि ये रियल स्पॉन्सर है कि फेक स्पॉन्सर है, और बस गाइज मैंने नंबर दे दिया नीचे। अब उसके बाद क्या हुआ, वो बंदा मुझे व्हाट्सएप में कॉन्टेक्ट कर रहा। तो मैंने पूछा कौन, मैं सोचा स्पॉन्सर है, तो वो बंदा बोल रहा आपका फैन। तो भाई, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फैन ही है और फैन को ही नंबर जब मिल गया तो मेरे फैमिली है, ठीक है, नंबर मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन गाइज, गजब उस बंदे की तेज दिमाग को मैं सैल्यूट करता हूँ कि गजब का बंदा है, स्पॉन्सर वाला बन के और मेरे से नंबर ले लिया। तो भाई, वो तो गजब ही है। तो गाइज, आप लोग को करना क्या, जैसे कि मैंने स्क्रीनशॉट पे दे दिया, तो देखिए ये नहीं कि आप लोग को मैं ये बता दूंगा तो आप लोग गुरुजी का भी नंबर ले सकते हो, ऐसा नहीं है। जो बंदे थर्ड पार्टी स्पॉन्सर करते हैं, जो यूट्यूबर, उन्हीं का नंबर आप लोग ऐसे करके ले सकते हो, ठीक है। और मेरा नंबर लीक हुआ इसीलिए मैं आप लोग को ये आइडिया बता रहा हूँ। ये कोई ऐसा नहीं है कि आप लोग को एडवाइस दे रहा हूँ कि आप लोग जाइए और नंबर लीजिए यूट्यूबर का। तो बस गाइज, आप लोग ऐसा मैसेज मतलब ईमेल कर सकते हो उन यूट्यूबर को जो कि मतलब 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000 ऐसे सब्सक्राइबर होते हैं, उन सबसे ही कॉन्टेक्ट कर सकते हो। बड़े बड़े कॉन्टेंट क्रिएटर से आप लोग का ये नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। और इसमें भी 100% नंबर मिल जाए तो ऐसा कोई बात नहीं है। तो गाइज, मेरा भी ऐसे करके लीक हुआ इसीलिए आप लोग को बता दिया। और इस वीडियो से मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग को स्पॉन्सर का भी पता चल गया, कि आप लोग पूछते हो कि भाई आप लोग को आखिर स्पॉन्सर कैसे मिलता है। तो गाइज, स्पॉन्सर मतलब हम लोग जो डिस्क्रिप्शन में जैसे कि हम लोग मेल डाल करके रखे हैं जीमेल आईडी, तो उसी में मेल आता है स्पॉन्सर की तरफ से। कोई भी बंदा या थर्ड पार्टी बंदा कुछ भी मतलब मेल करता हम लोगों को कि स्पॉन्सर चाहिए, तो हम लोग भी एग्री होते हैं, प्राइस में भी एग्री हो जाते हैं, उसके बाद नंबर देते हैं, बस वो वीडियो शेयर कर देते हैं और उसी से हम लोग का मतलब स्पॉन्सर मिल जाता है,
ठीक है, तो बस इतना ही कुछ आज का वीडियो में, ज्यादा कुछ है नहीं। और उम्मीद करूंगा आज का वीडियो से आप लोग को थोड़ा बहुत कुछ नॉलेज मिल गया होगा और ऐसे करके आप लोग नंबर भी ले सकते हो। 100% नहीं है पर 50% उम्मीद है कि नंबर आप लोग को ऐसे करके मिल जाएगा। ठीक है, तो अब ये नहीं कि मुझसे ही नंबर आप लोग लेने लग जाओ, ठीक है, क्योंकि अब मैं ऐसे नंबर देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अब देखिएगा तो मेरा चैनल में स्पॉन्सर भी बहुत ही कम होता है। तो गाइस चलिए, उम्मीद करूंगा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और गाइस मेरा इंस्टाग्राम आईडी है karthiksen25, अगर अभी तक फॉलो नहीं किए तो जा करके फॉलो कर लीजिएगा। चलिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।